नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 3 मई रविवार राजस्थान की खास खबरें। प्रदेश में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के बीच आज राहत की खबर आई है। रोजाना की तुलना में आज भी कोरोना पॉजिटिव के रोगी कम मिले हैं। प्रदेश में आज रविवार को 31 पॉजिटिव रोगी मिले हैं। चिकित्सा विभाग से मिली जानकारी के अनुसार आज रविवार को अजमेर से 2, चित्तौड़गढ़ से 3, डूंगरपुर से 1, जयपुर से 8, जोधपुर से 9, कोटा से 1, प्रतापगढ़ से 2 और उदयपुर से 5 पॉजिटिव रोगी मिले हैं। इसी के साथ प्रदेश में कुल पॉजिटिव रोगियों की संख्या 2,803 पहुंच चुकी है। श्री गंगानगर जिले के पदमपुर में आरबी लोहर नहर में बड़ा कटाव आने की सूचना मिली है। जानकारी के अनुसार 71 आरबी के पास करीब 40 फीट का कटाव आ गया है। देर रात टूटी नहर को अभी तक पाटा नहीं गया है। संसाधनों की कमी की वजह से समय लग रहा है। मौके पर नहरी विभाग के अधिकारी मौजूद हैं। राजस्थान प्रदेश में कल से शराब की दुकानें खुल जाएंगी। सभी जोन में शराब की दुकानें शुरू हो जाएंगी, लेकिन कंटेनमेंट जोन में शराब की दुकानों पर प्रतिबंध रहेगा। जो जो शराब की दुकानें खुलेंगी उन्हें सामाजिक दूरी का ध्यान रखना होगा। एक बार में 5 से अधिक लोग दुकान पर नहीं ठहर सकेंगे। होटल बार, रेस्टोरेंट बार और क्लब बार पर प्रतिबंध जारी रहेगा। प्रदेश में देसी शराब के 6,665 और अंग्रेजी शराब की 1,000 दुकानें खुलेंगी। राजसमंद जिले में ट्रांसफार्मर पर मृत पैंथर मिला है। जानकारी के अनुसार करंट लगने से पैंथर की मौत बताई जा रही है। सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंच चुकी है। ट्रांसफार्मर से पैंथर के शव को नीचे उतार लिया गया है। जिला मुख्यालय के पास पिपरडा में यह घटना हुई है। दौसा जिले में एक मकान के बाहर नोट मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना पर नगर पालिका व मेडिकल टीम मौके पर पहुंच चुकी है। नगर पालिका टीम ने 200 रुपए सहित 20 के नोटों को बॉक्स में रखवाया है। नगर पालिका JEN लाखन सिंह की टीम ने मोहल्ले सहित मकान को सैनिटाइज करवाया है। मोहल्ले में हुई इस घटना से वार्डवासी सहमे हुए हैं। कोटा जिले में लॉकडाउन के दौरान भी चोरों के हौसले बुलंद हैं। कल हुई चोरी की वारदात के बाद चोर फिर देर रात को चोरी करने पहुंच गए, लेकिन लोगों की नींद खुलने से चोर भाग निकले। लोगों ने पीछा कर पकड़ने का प्रयास किया तो चोरों ने गोली से मारने की धमकी दी, जिसके बाद लोग पीछे हट गए। यह घटना अनंतपुरा थाना इलाके के सुभाष नगर में हुई। DN एयरफोर्स और सेना ने आज रविवार को डॉक्टरों, पैरामेडिकल स्टाफ और पुलिस कर्मियों सहित सभी कोरोना योद्धाओं का शुक्रिया अदा करते हुए जयपुर के SMS सहित 2 अस्पतालों पर पुष्प वर्षा की। इससे पहले जयपुर स्थित SMS अस्पताल पर पुष्प वर्षा करने का शनिवार को सेना के हेलीकॉप्टरों द्वारा पूर्वाभ्यास किया गया था। कोरोना वॉरियर्स इस सम्मान से अभिभूत हो गए। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए। Once again.